गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के दिव्य पाठ के सत्समागम में सभी स्नेही संगत का सुस्वागतम। जो सुमिरत सिधि होड़ गण नायक करी बर बदन, करु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। भावार्थ, तुलसीदास जी ने पाठ में आगे लिखा है कि जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गढ़ों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुख होई बाचाल पंगु चढ़े गिरे बर गहन, जासु कृपाम सो दयाल द्रव्यो सकल कली मल दहन। भावार्थ, जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिश नयन, करु सोमम उर्धाम सदा क्षीर सागर सयन। भावार्थ, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर पर शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंत इंदु सम दे उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर ने करु कृपा मर्दन नयन। भावार्थ, जिनका कुंत के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम हैं और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंधु गुरुपत कंच कृपा सिंघु न रूप हरी, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निगर। भावार्थ, मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। हमारे सत्संग को अधिक उपयोगी बनाने के लिए हमारे साथ निरंतर मनन करते रहें। सभी भक्तों का जीवन अति आनंदमय हो।